Is everything okay, uncle? You dead bakkar insaan. क्या हुआ कमाल, खैरियत है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को बेवकूफ बनाने की? कमाल अंकल, मैं कुछ समझा नहीं. चले जाओ यहां से, चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा. पर हुआ क्या है, पता तो चले. Get out. I'm sorry. Yeah, अब कोई शादी नहीं हो रही. प्लीज खाना खा के जाइएगा. वो तुम गए नहीं अभी तक. चले जाओ यहां से वरना जान तेरी ऊपर क्या कर सकते. जाओ यहां से. शिराजी, मेरी बात कराओ एजे साहब से. यस. कमाल कुछ तो बताओ. ये शख्स शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, मैं शिराजी बात कर रहा हूँ. कमाल साहब ने अजीत साहब से बात करनी है, जरा इमरजेंसी. ये ले बात. Aizal, please. No! Aizal, no! एक दफा मेरी बात. नहीं, मैं बताऊंगा. लाखों करोड़ों कमाए,
कितनी बर्बादियां समेटी, कितनी इज्जतें तबाह की। आइजल से मोहब्बत करते हो या उसे भी मेरी तरह धोखा दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता? तुम जैसा शख्स किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, सिर्फ धोखा दे सकता। और ये हाथ फिर भी खाली। मिली तो शर्मिंदगी, बेइज्जती, पशमानी, जिल्लत, रुसवाई। क्या मकसद है जिंदगी का मेरे खुदा? एहसास से आ रही इस दिल ने सिर्फ दुख दिए, मुझे भी और मेरे इर्द गिर्द सब। दानियाल मेरी एक बात मानोगे? कौन दानियाल? My name is Danish. हाँ वही दानिश। मैं भी ये चाहती हूँ कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं और तुम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों भूल जाएं। तुम्हें कैसे भूल सकता? भूल तो मेरी पहली मोहब्बत। प्लीज दानियाल, हमारे बीच जो कुछ भी था वो आइजल को पता नहीं चलना चाहिए। वो बहुत मोहब्बत करती है तुमसे, उसे खुश रखना। गर्लफ्रेंड्स को बुलाया तुमने अपनी शादी में? किसी को नहीं, सिर्फ तुम्हें इनवाइट किया। बहुत घटिया इंसान हो तुम शराज। शराज? हाँ सर, मुझे तो शराज ही बताया कि तुम्हें कोई और नाम बताया है। दानियाल, दानिश, जो भी हो तुम, शराज, दानियाल, वासिक, रामिस, पता नहीं इनमें से भी कोई तुम्हारा रियल नाम है या नहीं। जो भी हो तुम, बहुत नाजायज फायदा उठाया तुमने मेरा। बहुत ब्लैकमेल हुई हूँ मैं तुमसे, लेकिन मेरा अब दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूँ, चाहे मेरे साथ फिर कुछ भी हो। हालात ने मुझे क्या से क्या बना दिया। मैं जो था मैं वो नहीं रहा। ये जो कुछ भी हुआ ये तो मैं कभी नहीं चाहता था। पैसों की हवस ने मुझे जंगली जानवर बना दिया। अब इस जानवर को कैद करने का वक्त आ गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? साहब कहाँ तेरा? साहब दोपहर है, क्या हुआ, क्या देखो मेरी बात सुन, इससे जान छुड़वा लो अपनी। बहुत ही बड़ा धोखेबाज इंसान है ये।
न जाने कितनी ही शादीशुदा और कितनी ही कवारियों की जिंदगी से बर्बाद कर दी। शट अप, यू शट अप। सर ये तो एक्सपायर हो चुका है। एम्बुलेंस को कॉल करो फौरी। जी सर। और तुम सब जाओ पूरे घर की तलाशी लो अच्छी तरह से। आपकी नेक नामी के चर्चे पूरी दुनिया में होंगे। मैं तुम्हारी इन गीदड़ भक्तियों से डरने वाला नहीं। तुम्हें जो करना है कर लो। मैं सिर्फ बातें नहीं करती, करके दिखाऊंगी आपको। चूही ये क्या कर रही हो तुम? वहीं रुक जाइए अनीशा बीबी। तुम चाहती क्या हो? क्या करें हम? अपना जायज हक। ठीक, मुराद करेंगे तुमसे निकाह। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करेंगे। इस वक्त कौन आ गया है? आप? कुछ हिसाब करना है। हिसाब? यहीं करूं या अंदर चल के? आइए। आप
यहां बैठने नहीं आया, मैंने कहा ना कुछ हिसाब करना है मुझे। हिसाब? अजंता से तुम किसी और से मोहब्बत करने लगी थी और हद से नहीं, तब से जब तुमने जॉब शुरू की और पहली बार उस दानिश दानियाल जो भी नाम था उसका उससे मिली, इन दो नामों की वजह से धोखा खाया मैंने। मैं नहीं जानता था कि ये दो अलग लोग नहीं है, अगर जरा सा भी अंदाजा होता तो अपनी आइजल के साथ मैं ये सब कुछ ना होने देता। अब जानते थे कि मैं किसी और से मोहब्बत करने लगी थी, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। मदावा करना चाहता था इरसा। मदावा? हाँ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, और अगर कर ली थी शादी तो तुम्हारे सारे हुकूक पूरे करता मैं, सिर्फ ये बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, जेब खर्च, अच्छा खाना, नौकरी का हक, ये सब नहीं थे तुम्हारे हुकूक। मेरी मोहब्बत जो ना दे सका तुम्हें, ये था तुम्हारा हक। तुम्हारे मां बनने का हक नहीं दे सका तुम्हें, लेकिन जब इन सब बातों का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। तुम किसी और से मोहब्बत करने लगी थी, मैंने बहुत सोचा, बहुत इंतजार किया कि तुम शायद खुद बता दो मुझे ये सब कुछ, और बखुदा तुम जब भी मुझे बताती, मैं बखुशी तुम्हें आजाद करके तुम्हारी खुद उससे शादी करवा देती, लेकिन क्या करते, वो इंसान ही धोखे पास निकला, मेरी बीवी मेरी बेटी दोनों को धोखा देता रहा। और मैं समझ नहीं पाया तुमने भी मेरे साथ बहुत गलत किया। बहुत गलत किया मैंने? इतनी बड़ी खबर नहीं छुपानी चाहिए थी तुमसे। मुझे लगा कि आप समझेंगे कि इतने अरसे में मैं तुम्हें समझा, मैं जान चुका हूं कि गलती कर सकती हो, बेवफाई नहीं कर सकती। मुझे माफ कर, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलत मैं था। वापस चलते हैं अपने घर।
क्या हुआ है? आओ ना। आपने तो मुझे माफ कर दिया है, क्या हैज़ल भी मुझे माफ करेगी? Let's see. ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया था। I hope you like it. तुमने मुझे माफ कर दिया? माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मैंने बहुत तंग किया आपको, कभी खाला को बुलाकर, कभी फयाल आंटी, पापा को शेयर नहीं कर सकती ना मैं, बट ऐसे ऐसे सीख जाऊंगी। लेकिन एक शर्त पर। तो क्या? वो ये कि मेरा भाई या बहन जो भी हो, आप मुझे उसको बहुत सारा प्यार करने देंगे। मुझे आपका शुक्रिया अदा भी करना। अब वो किस लिए? वो इसलिए कि आपने पापा को सब कुछ बता दिया दानिश के बारे में और मुझे इतने बड़े धोखे से बचा लिया, उसके लिए तो शुक्रिया बनता है ना। हम जैसी लड़कियां ही होती हैं जो ये सोचकर ब्लैकमेल हो जाती हैं कि घर वाले क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, मगर आपने हिम्मत करके सब कुछ ठीक कर दिया। थैंक यू फॉर दैट। पापा, लेट्स गो इन। कोई सरप्राइज है? मे बी। लेट्स सी। Excuse me. पापा? हाँ। क्या हुआ? इतनी देर हो गई है यार, कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, don't worry, आप relax करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। I know, but बहुत ज़्यादा। जी। बारे वो बेकार हुआ है। मैं मतलब हम मिल सकते हैं? थोड़ी देर में दोनों को रूम में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, और सॉरी, इरशा की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह से दोनों ठीक। थैंक यू। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस अब्बा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। उफ, अब सबर नहीं हो रहा दोनों को देखना है।
Hello. Hi. Hello. Baba, now we're a big happy family. Yeah. तुम ठीक हो? आप खुश है ना? खुश तो बहुत छोटा लफ्ज है. मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया इस वक्त मेरे कदमों के नीचे है. अच्छा पापा, इसका नाम मैं रखूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो. तुम्हारा इकलौता भाई है, तुम्हें रखना चाहिए नाम. अभी तो इकलौता है. ऐसे क्या नाम सोचा है? अहमद, अहमद कमाल. अहमद कमाल, माशाल्लाह. लाइए जरा अहमद साहब को इधर दीजिए. वेलकम टू द फैमिली, इधर आइए. Mm-hmm.